भारत में रविवार को कोविड 19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के 17 और मामले सामने आए, जिनमें 9 मामले राजस्थान की राजधानी जयपुर में, 7 महाराष्ट्र के पुणे जिले में और 1 मामला दिल्ली का है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या 24 हो गई है। जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें से अधिकतर हाल में अफ्रीकी देशों से आए हैं या इस तरह के लोगों से संपर्क में थे। इसके साथ ही 4 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी में ज्यादा संक्रामक स्वरूप के मामले सामने आए हैं। जयपुर में जो 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं उनमें से एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं, जो हाल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। राजस्थान के चिकित्सा सचिव वैभव गलरिया ने बताया, संक्रमित लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 लोगों के कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 7 लोगों के कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संक्रमितों में नाइजीरिया से आई महिला और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। वह नजदीकी पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में अपने भाई से मिलने आई हैं। अधिकारी ने बताया कि महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई हैं। वहीं पिछले महीने के आखिरी सप्ताह फिनलैंड से पुणे लौटे एक अन्य व्यक्ति के भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 8 हो चुकी है और अब देखना यह है कि सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाती है।